बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित होंगे। तो आप सब ने ब्रेकफास्ट किया? सभी लोगों ने दूध पिया? वेरी गुड बेटा, सभी लोग डेली ब्रेकफास्ट और दूध जरूर पिएंगे। ओके, तो चलिए, जैसा कि हम जब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं, तो आज भी हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। तो चलिए, सभी लोग खड़े हो जाइए, हैंड जॉइन करिए, आईज क्लोज करिए, हेड डाउन करिए, प्रेयर स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। मैंने सिर्फ दो लाइन बोला है बेटा, मैंने सिर्फ दो लाइन प्रेयर की है, लेकिन आपको पूरी प्रेयर करनी है। ओके, तो चलिए आज हम सीखेंगे दो वर्णों वाले शब्द। आज हम क्या सीखेंगे? दो वर्णों वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनमें दो वर्ण होते हैं। ओके, तो चलिए, यह किस चीज का चित्र है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह किस चीज का चित्र है? यह रथ है। बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा बताया, यह रथ है। क्या है? रथ। रथ में कितने वर्ण होते हैं? रथ में दो वर्ण होते हैं, र और थ। र और थ मिलके क्या हो जाएंगे? रथ। क्या होंगे? रथ, रथ। उसी तरह यह किस चीज का चित्र है? बस। यह क्या है? बस। बस से आप लोग रोज स्कूल आते हो ना, आप लोग डेली बस से स्कूल आते हो ना, हाँ वही बस है। ये बस में कितने वर्ड हैं? टू वर्ड हैं, दो वर्ड हैं, ब और स। ब और स मिलकर क्या बनेंगे? बस, बस। अब यहाँ ये देखिए, ये क्या है? यह टब है। टब में क्या है? पानी है। यह टब है। टब कितने वर्डों से मिलकर बना है? टब दो वर्डों से मिलकर बना है, ट और ब। ट और ब मिलकर क्या बनेंगे? टब, टब। वेरी गुड बेटा। अब यहाँ ये देखिए, यह क्या है? फल। क्या है? फल। फल कितने वर्डों से मिलकर बना है? दो वर्डों से मिलकर बना है, ह और ल। मिलकर क्या बन जाएगा? फल। अब यहाँ है घर। क्या है? घर। घर में भी दो वर्ण हैं, घ और र। घ और र मिलकर क्या बनेंगे? घर। यह क्या है बच्चों? क्या है? नल है। न और ल। न और ल मिलकर क्या बनेंगे? नल। ये देखिए, यह क्या है? नट। एक आदमी है जो करतब दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नट। न और ट मिलकर क्या बनेगा? नट। यह क्या है? यह है यज्ञ। यज्ञ में भी दो वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? दो वर्ण हैं, य और ज्ञ, दोनों मिलकर बन जाते हैं यज्ञ। यह क्या है? यह ऊन। ऊन में भी दो वर्ण हैं, ऊ और न, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ऊन। क्या बनेंगे बेटा? ऊन। यह क्या है? यह है टेन, जिसे हम दस कहते हैं। क्या कहते हैं? दस। यह भी दो वर्णों से मिलकर बना है, द और स। द और स।
दस। क्या बनेंगे? दस। इसी तरह ये दो वर्णों वाले शब्द हैं, आप और भी अपनी बुक से देखकर 10 वर्णों वाले शब्द सीखेंगे। ओके, थैंक यू।